आज इफ्फीचो पड्डो उगडटा सांजेच्या 5 वरांचेर ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे 53वे इफ्फीचे उक्तावण जातले. इफ्फीच्या फाटभुंयेर पणजी शार सोबीत नटला. इफ्फीक हाजेरी लावपाक देश विदेशातले कलाकार पणजेत आयल्यात. पळोवया इफ्फीच्यो खबरो. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमतान भारतातल्या प्रादेशिक फिल्मांक माची मेळटा. भारत हो असो देश असा जातून खूबश्यो काणयो आसात अशें केंद्रीय आणि माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर सांगता. 53वे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सुरवात आलमाणे ऑस्कर ह्या ऑस्ट्रियाच्या फिल्मान झाली. ह्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. ह्या फिल्माच्या उक्तावणा वेळार फिल्माचे दिग्दर्शक डायटर बर्नर तशेंच हेर कलाकार हाजीर आशिल्ले. हे फिल्म एका जीवनपटाचेर आधारीत आसा. आयज सांजेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर व्हडा दबाज्यान इफ्फीच्या मुखेल सुवाळ्याचे मानेस्त तांच्या हाजेरीक उक्तावण जातले. इफ्फी खातीर 5,000 परस चड प्रतिनिधींनी नोंदणी केली आसा. तशेंच 300 परस चड कलाकार इफ्फीच्या 8 दिसांत गोंयांत हाजेरी लायतले. एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आज 53वां एडिशन उसका शुरू हो रहा है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश और दुनिया के प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक कलाकार अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने के लिए और अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स की भी सीरीज को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है. और ऐसे बहुत सारी पहल हमने की है जैसे 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स. ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जब हम भविष्य की बात करते हैं तो कोई मेघालय के जयंता हिल से आता है तो कोई किसी राज्य के छोटे से जगह से आता है. 18 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र के आते हैं. ये अपने आप एक प्लेटफॉर्म मिला है जो उभरते हुए ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी सीखने का भी और फिल्म जगत से मिलाने का भी. दूसरी ओर दुनिया की बड़ी फिल्मों को यहाँ पे प्रीमियर करने का OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज को यहाँ पे प्रीमियर करने का अवसर मिल रहा है. जैसे फौदा सीरीज जो है इसराइल की उसकी स्टार कास्ट यहाँ पर होंगी. उनके जो चौथा इसकी सीजन है उसकी भी शुरुआत यहीं से होने वाली है. तो ये अपने आप में दिखता है कि आज इफ्फी केवल भारत तक सीमित नहीं है. 53rd एडिशन जो है इफ्फी का ये दुनिया भर के फिल्मों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज के लिए और सीरीज के लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है अपने काम को दिखाने का और दुनिया भर को एक मार्केट मिली है अच्छे काम को देखकर खरीदने का और अपने क्षेत्रों में ले जाने का. इससे हमारे रीजनल सिनेमा को भी बहुत बड़ी ताकत मिलती है. जिनको बाकी जगह प्लेटफॉर्म ना मिल पाता हो उनको केवल गोवा आना है इफ्फी में और अपने काम को अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया भर में पहुंचना है.